हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल दुनियादारी आइडिया फॉर लाइफ में। दोस्तों, मैं हूं शशिकांत और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी व्हीकल की पूरी हिस्ट्री रिपोर्ट निकाल सकते हैं, चाहे उसमें आपको जो भी जानकारी चाहिए, जैसे कि आप टैक्स कब कब पे हुआ है, किसके नाम पर गाड़ी ट्रांसफ़र हुई है, RTO में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, सब आपको समझ लो, आपको पूरी जो गाड़ी की कुंडली है वो पूरी खुलकर आपको आ जाएगी सिर्फ एक मिनट में। दोस्तों, तो अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस घंटे की बटन को दबा दे ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको मोबाइल या डेस्कटॉप के ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पर टाइप करना है वाहन 4.0 और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद जो आपको फर्स्ट शो में आएगा वाहन 4.0 सिटीजन सर्विसेज, इस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, वाहन सिटीजन सर्विस का जो मेन पेज है वह ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, ऊपर देखिए आपको दिख रहा है स्टेटस। स्टेटस में आप जब नीचे जाएंगे तो आपको शो होगा माय व्हीकल डिटेल्स, तो इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। माय व्हीकल डिटेल्स में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पहले डालना होगा, तो चलिए मैं पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद चेसिस नंबर आपको फुल मतलब पूरा चेसिस नंबर डालना होगा। चेसिस नंबर डालने के बाद आपको पूरा इंजन नंबर डालना होगा, तो चलिए इंजन नंबर भी मैं डाल देता हूँ। सब टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पर शो हो रहा है वैलिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर चेसिस नंबर, इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। इसके बाद पूछा जा रहा है दोस्तों इंटर मोबाइल नंबर ऑफ व्हीकल ऑनर, तो ज़रूरी नहीं कि आप व्हीकल ऑनर का ही मोबाइल नंबर डालें, अपना नंबर भी डालकर आप OTP प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर शो हो रहा है जनरेट OTP, तो इस पर क्लिक करके OTP जनरेट कर लीजिए। दोस्तों देखिए मेरे मोबाइल पर OTP आ चुका है, तो चलिए मैं OTP टाइप करके आगे बढ़ता हूँ। देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है सबमिट बटन, तो इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखिए शो हो रहा है व्हीकल हिस्ट्री रिपोर्ट फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो। तो दोस्तों ये आपके सामने पूरी हिस्ट्री रिपोर्ट खुल गई है गाड़ी की, आप चेक कर सकते हैं। ऑनर डिटेल्स दिया हुआ है, ऑनर का एड्रेस दिया हुआ है, नीचे देखिए व्हीकल डिटेल्स दिया हुआ है, पूरी व्हीकल की डिटेल जैसे रजिस्टर्ड विथ RTO कौन सा है, व्हीकल क्लास कौन सा है, व्हीकल स्टेटस कौन सा है, गाड़ी का मॉडल कौन सा है, पेट्रोल है कि CNG, सब। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन आ रहा है डिस्पैच RC, अगर आपने नए RC के लिए अप्लाई किया है तो कब आएगी वो RC, किस दिन डिस्पैच हुई, सब डिटेल इसमें शो हो रहा है। उसके बाद देखिए शो हो रहा है फीस कलेक्शन डिटेल, मतलब आपने RTO में इस गाड़ी से रिलेटेड कौन कौन सी फ़ी आपने पे किए, जैसे आपने RC पर्टिकुलर के लिए पे किया है, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप के लिए पे किया है, पोस्टल फ़ी के लिए पे किया है, एक्सेट्रा। उसके बाद देखिए दिख रहा है इंश्योरेंस डिटेल्स, तो कौन कौन से RTO में आपकी इंश्योरेंस की डिटेल्स अपडेट है वो अभी आप चेक कर सकते हैं। उसके दिख रहा है NOC डिटेल कि कब इस गाड़ी की NOC इशू हुई है किसी और के नाम पे। उसके देखिए दोस्तों ऑनर डिटेल दिख रहा है, मतलब फर्स्ट ऑनर का भी डिटेल आ रहा है, एड्रेस है, नाम है, स्टेटस आ रहा है NOC इशूड। उसके सेकंड ऑनर का नाम आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है और स्टेटस आ रहा है एक्टिव, मतलब इस समय इस ऑनर के नाम पर गाड़ी है। उसके टैक्स क्लियर डिटेल है, डेट है, और उसके बाद देखिए दिया हुआ टैक्स डिटेल्स, मतलब टैक्स फ्रॉम और टैक्स का अमाउंट देखिए 52,871 टैक्स की डिटेल हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर शो कर रहा है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप डिटेल, मतलब जो फर्स्ट ऑनर है, ऑनर फ्रॉम 13 फेब 2014 टू ऑनर अप टू 18
जैन 2020 मतलब जो फर्स्ट ऑनर थी इस डेट से इस डेट तक इसके नाम पर गाड़ी थी, अब किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र हो चुकी है, जिसका डिटेल मैंने ऊपर आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने पूरी डिटेल ओपन हो गई, आप आसानी से चेक कर सकते हैं इस गाड़ी में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, इस गाड़ी में कौन फर्स्ट ऑनर है कौन सेकेंड ऑनर है, इसके साथ क्या क्या हुआ इस गाड़ी के साथ, आप पूरी कुंडली इसकी निकाल सकते हैं सिर्फ एक मिनट में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिर मिलूँगा दोस्तों ऐसे ही एक नई जानकारी वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड डे।